देखिए, सोशल मीडिया की सारी वेबसाइट्स ये स्वतंत्र प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उन्होंने किसी एक राजनीतिक विचारधारा के बारे में पक्षपाती रवैया अपनाना और विचारधाराओं के अंदर एक भेद निर्माण करना, ये सरासर गैर जनतांत्रिक है, आक्षेपार्ह है। और भारत जैसे देश में इस तरीके के मंचों का दुरुपयोग और उनके द्वारा एक अघोषित सेंसरशिप को लागू किया जाना कतई स्वीकार नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। इसी के लिए संसद के समिति ने उनको समक्ष आने के लिए कहा गया था। उसके द्वारा अगर वो नहीं आ रहे तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना, ये पार्लियामेंट की संबंधित समिति के हमारे अध्यक्ष थे। हाँ, निश्चित रूप में, और इसकी कीमत उन्हें ज़रूर चुकानी पड़ेगी।